अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो इस वक्त मैं सर्विस स्टेशन पे आई हुई हूँ क्योंकि गाड़ी मेरी काफ़ी दिनों से ना मुझे गंदी लग रही थी और होई भी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसकी ना सर्विस करवा ली जाए। तो यहाँ पर मैं आई थी गाड़ी देने के लिए, तो ये ना हमारे घर की बैक साइड पे ही लगता है। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि हम तो आपके नेबर्स भी हैं, मेरी गाड़ी को अच्छे से सर्विस कीजिएगा क्योंकि हमेशा ही मैं इधर से ही करवाती हूँ। लेकिन जब तक इंसान ये ना कह ले कि अच्छी तरह से कीजिएगा या अच्छी तरह से हमारा काम मुकम्मल कर दीजिएगा, तो तब तक ना खुद भी तसल्ली नहीं होती है। तो यहाँ पे बस मैंने गाड़ी दे दी थी, वो मुझे कह रहे थे कि हमें पता है कि आप लोग हमारे नेबर हैं, तो गाड़ी की तरफ से बेफिक्र रहिए। और हनान इस वक्त मेरे साथ आया था, तो हम दोनों ही ना बस गाड़ी दे के तो घर वापस ही जा रहे थे। और आज ना सुबह से ही लाइट ने काफ़ी ज़्यादा इशू किया हुआ था, तो सुबह से ही हमारी लाइट गई हुई है। और इस वक्त ना दोपहर का टाइम था, बच्चे अभी ट्यूशन थोड़ी देर में ही जाने वाले थे, तो अभी तक लाइट नहीं आई थी। पता नहीं लाइट को कोई मसला वगैरह बना हुआ है, तो जिसकी वजह से ना आज काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैं हनान से यही कह रही थी कि आज तो कोई काम हम लोगों ने किया नहीं है, फ्री ही सारा दिन गुजरा है, तो क्यों ना आज गाड़ी की सर्विस का ही काम मुकम्मल किया जाए। और यहाँ पे ना मुझे काफ़ी बड़े बड़े अनार नज़र आए थे, तो मुर्ज़ा ना मुझे काफ़ी दिनों से ही कह रहा था कि अनार खाने को मेरा दिल चाह रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से पता करती हूँ। लेकिन फिर ना ये वो रेड वाले थे कंधारी अनार, तो मैंने सोचा कि उसका गला ही ख़राब ना हो जाए। वैसे भी आजकल ना गले ख़राब का, बुखार का तो सीज़न चल रहा है, तो इसलिए ना बच्चों को इस मामले में ना उनकी केयर ही करनी चाहिए। और आगे फिर नेक्स्ट बच्चों के पेपर्स भी आ रहे हैं, तो पेपर्स में तो लाजमी ना बच्चे बीमार ज़रूर होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये नेक्स्ट वीक गुजार लेते हैं, बच्चे ईजी होके पेपर दे लें, उसके बाद ही ना ये फिर खट्टी मीठी चीज़ें खाएँगे। और अपना दराज से एक पार्सल आया था, तो ये मैंने ना काफ़ी दिनों का ही ऑर्डर किया हुआ था, तो ये मुझे लगता है कि चाइना से ही आया है। तो दराज पे ना ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि चाइना से भी आप लोग चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ये ना मैंने गाड़ी के लिए फ्रेशनर मंगवाया था, तो इसमें से ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, जिसकी वजह से गाड़ी में भी खुशबू फैल जाती है। तो आज मैं चूँकि गाड़ी सर्विस करवाने के लिए भी गई हुई थी, तो आज ये पार्सल भी आ गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसके नीचे ना स्टिकर वगैरह लगा होता है, उसके ज़रिए ना इसको डैशबोर्ड पे चिपका देते हैं, और फिर जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है ना तो ये मूव करता है। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल इसका पता नहीं है क्योंकि मैंने भी इसके रिव्यूज़ ही देखे थे। अब जैसे ये फिर वर्क करेगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और फिर बस ना थोड़ी देर बाद ही कॉल आ गई कि लाइट तो आ नहीं रही है, जनरेटर वगैरह भी हमारा चल नहीं रहा, तो आके ना अपनी गाड़ी ले जाए, इसको कल सर्विस करवा लीजिएगा। तो मैं फिर जा रही थी वहीं पे ही, मैंने सोचा कि जाके फिर गाड़ी ले आती हूँ, वैसे ही वहाँ पे पड़ी हुई है, सर्विस तो हुई नहीं है। तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँची ना, तो वो लोग कहने लगे कि एकदम से ही लाइट अब आ गई है, तो अब हम सर्विस कर ही देते हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी यूँ ही मेरा चक्कर ही डलवाया है आप लोगों ने। तो बस फिर मैं घर वापस आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो ये काम तो आज हो ही जाएगा, तो फिर अब गाड़ी वापस लेके क्या जानी है, लाइट तो आ गई थी। लेकिन बस ना थोड़ी देर में ही शाम वगैरह होने वाली थी, लेकिन खैर मैं फिर घर आ गई थी, मैंने सोचा कि आज सर्विस करवा ही लेते हैं, ये काम हो ही जाए तो अच्छा है। और अब हनान और मैं गाड़ी लेने के लिए ही गए थे, तो आज का सारा दिन ही ना बस इसी तरह से ही गुजर गया है, कोई भी खास काम हम लोग कर नहीं सके। तो आज ना बच्चों की फ़ी वगैरह भी सबमिट मैंने करवा दी है, मैंने सोचा कि ये काम करके फ्री होते हैं। और वापसी पे आते हुए ना फिर मैं गाड़ी भी ले आई थी, और यहाँ पर ना मैंने फ्रेशनर भी लगा दिया था, तो अभी तो सनलाइट वगैरह नहीं थी, तो जस्ट मैंने इसे लगाया ही था, मैंने सोचा कि बाद में ना फिर इसे देख लेंगे। और आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया था कि ये लगा हुआ ऐसे लग रहा है। और इसके बाद ना मैं घर आके ना बस आटा वगैरह गूंदने लगी थी, तो आप लोग ना मुझसे यही क्वेश्चन करते रहते हैं डो मेकर के बारे में, तो मैंने सोचा कि इसमें ना आटा गूंद के आपको दिखा भी देती हूँ और साथ ही ना इसका रिव्यू भी दे देती हूँ। तो इसमें ना आटा जितना डालते हैं ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ही डाल के तो फिर बस मशीन में लगा देते हैं, तो पानी ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ऐड करते हैं
क्योंकि जब आटा इसमें गूंदा जाता है ना, तो उसके बाद ना अगर आप हार्ड आटा गूंदेंगे तो बाद में वो फ्रिज में रख के ना और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ना इसको हम नरम नरम गूंदेंगे तो फिर ना बाद में रोटियां ना अच्छी सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पे ना ये स्पीड बटन है, तो इसमें ना 5 नंबर्स हैं, तो आपने जितनी स्पीड रखनी है उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। तो 1 नंबर पे जैसे कि स्लो स्पीड, 2 पे उससे ज़्यादा, तो इसी तरह ना 5 पे फिर मैक्सिमम स्पीड हो जाती है। तो मैंने तो फ़िलहाल स्लो स्लो ही आटा गूंदना था, और मुझे ना एक कमेंट ये भी मिला था कि बाज़ मशीनें ना गर्म हो जाती हैं अगर उनको मुसलसल चलाया जाए। तो मैं तो इसमें आटा गूंदती हूँ, तकरीबन मैं ना 4-5 मिनट लगाती हूँ और ना मुसलसल ही ये मशीन चलती रहती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये हीट अप हो गई हो या कभी गर्म हो गई हो या इसने कोई मसला वगैरह दिया हो, तो मुसलसल ही मैं इसमें आटा गूंदती हूँ। और ये सीको कंपनी की है, इसे मैंने दराज से लिया था और ये काफ़ी देर की ही है मेरे पास, 4-5 महीने तो मुझे लगता है 5-6 महीने हो गए हैं इसे लिए हुए। और तब ना ये मुझे 13,000 की मिली थी, और अब आप रेट वगैरह पता कर सकते हैं सीको कंपनी लिख के, तो डो मेकर लिख के, तो वहाँ पे दराज पे सर्च कर लीजिए, इसकी प्राइस पता चल जाएगी आपको। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इसका ना लिंक शेयर कर दूँगी। और ये मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, बेस्ट है, इसकी वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए आज ना मैंने मुनासिब पानी ही डाला था, तो इस तरह से ना फिर सख्त सख्त आटा गूंदा जाता है। लेकिन फिर ऐसा आटा गूंद के ना तो आपको इसे बाहर काउंटर टॉप पे ही रखना चाहिए, वरना अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो फिर ये ज़्यादा ही सख्त हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैं आपको बता रही थी कि देखिए मशीन ज़रा भी हीट अप नहीं हुई है, कहीं से भी ज़रा भी गर्म नहीं हुई है। तो पहले तो मैंने कभी इसे चेक नहीं किया था, क्योंकि ये बात मेरे माइंड में तो थी ही नहीं, कभी मुझे गर्म लगी भी नहीं थी। तो मैंने ना आज स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैं चेक कर रही थी कि कहीं से ये गर्म वगैरह तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल ही थी, जैसे नॉर्मल प्लास्टिक होता है तो वैसे ही ये थी। और इसकी बॉडी ना प्लास्टिक बॉडी है, और बाकी ये मशीन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरा काम इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो गया है, क्योंकि जब अकेला बंदा ही खाना वगैरह बना रहा हो तो साथ में आटा गूंदने का भी मसला होता है। तो अपने काम को आसान करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, तो मैंने ये मशीन बाय की थी। और देखिए यहाँ पे ना 5 मिनट में ही आटा गूंदा गया है। और जब इस मशीन में आटा गूंदते हैं ना तो आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़ौरन से ही आप रोटियाँ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना बेस्ट आटा गूंदा जाता है ना कि वो फ़ौरन से ही पकने के काबिल हो जाता है। तो इसे ना मैंने यहीं पे काउंटर टॉप पे ही रख दिया है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में ही रोटियां बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि अब ना इसे यहीं पे ही पड़ा रहने देते हैं। और वैसे भी आज थोड़ा सा मैंने सख्त आटा गूंदा था, इसलिए भी मैंने इसे यहाँ पे काउंटर टॉप पे ही छोड़ दिया है। और बस खाना वगैरह खा के तो हम लोग फ्री हो गए थे, और अब इस वक्त ना बच्चे रेस्ट भी कर रहे थे और साथ में टीवी भी देख रहे थे, क्योंकि बच्चे सारा दिन स्टडी वगैरह कर करके ना फिर थक भी जाते हैं, तो और कोई उनके पास एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी नहीं है, बस ये मोबाइल टैब वगैरह ही खेल लेते हैं या फिर टीवी देख लेते हैं, और बाहर कहीं जाते तो हैं नहीं, ट्यूशन ही जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं, तो बस यही उनका एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। तो इसलिए ना मैं भी उनके साथ ही यहाँ पे बैठ गई थी, और आज मेरे देवर का बेटा भी आया हुआ था, ये सब ना इकट्ठे ही ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो कभी कभार ना ये फिर मुर्ज़ा के साथ खेलने के लिए आ जाता है यहाँ पे। तो बस वो दोनों तो खेल रहे थे, और हनान यहाँ पे लेट के टीवी देख रहा था, मैं भी उसके साथ ही मूवी देख रही थी। और ये ना हम लोगों ने आजकल मूवी देखनी शुरू की हुई है, नेटफ्लिक्स पे हनान देखता है तो मैं भी उसके साथ ही बैठ के देख लेती हूँ। इसकी एपिसोड्स हैं तकरीबन 12, तो वही हम लोग आजकल देख रहे हैं। इंग्लिश मूवी है, इसको उन्होंने उर्दू में डब किया हुआ है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।